हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल और आप देख रहे हैं एसी क्रिएशन द यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, फिलहाल तो अभी टिकटॉक पे जो नया ट्रेंड आया है कि जिस पे आपका नाम जो है एनिमेशन में दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ये मेरा एसी क्रिएशन का जो नेम है वो मैंने कैसे बनाया है, तो चलिए जानते हैं उसकी पूरी जानकारी। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे कि मेरे डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको काइनमास्टर में जाके आपको डिस्प्ले चूज़ करना है। डिस्प्ले चूज करने के बाद मीडिया में जाकर आपको बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड लेना है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेने के बाद उसका जो ड्यूरेशन टाइम है आपके हिसाब से रख दीजिए। मैं फिलहाल रख दूंगा इसको 20 सेकेंड। 20 सेकेंड का मैं ड्यूरेशन टाइम रखने वाला हूँ। 20 सेकंड का ड्यूरेशन टाइम रखने के बाद मैं लेयर में जाऊंगा। लेयर में जाकर टेक्स्ट में जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो वीडियो बनानी है वो मेरे चैनल के नेम की बनानी है। तो मैं मेरा एसी क्रिएशन ये फ्रंट में चैनल का नाम लूंगा। उसमें जो कुछ भी लाइंस वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको कर दिया ओके। जाने के बाद इसको फाउंड चेक करना है। फाउंड लेने के लिए मैं जाऊँगा फाउंड में। लेने के बाद फाउंड ले लिया मैंने, तो ये वाला मुझे फाउंड अच्छा लगा है। फिर इसको करेंगे क्या कि इसका जो ड्यूरेशन है वो भी 20 सेकंड तक करेंगे और उसका कलर जो है पूरा ग्रीन करेंगे। ग्रीन करने के बाद उसमें नीचे दिखाया गया शाडो, शाडो को आपको करना है डिसेबल। वो इनेबल रहता है उसको करना है डिसेबल। डिसेबल करने के बाद आपको करना है एनिमेशन। अब आप इस फाउंड को कैसा एनिमेशन देना चाहते हो, तो मैं इसको देना चाहता हूँ लेटर बाय लेटर देना चाहता हूँ। उसका टाइम ड्यूरेशन रखूँगा मैं 2.5 सेकंड। ठीक है, 2.5 सेकंड रखने के बाद मैं बैक आ जाऊंगा। बैक आने के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाऊंगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे जाकर अब चला के देखूंगा कि ये वीडियो मेरा पूरा कितने समय में आता है। समय में आने के बाद फिर मैं वहाँ से उसको स्टॉप करके फिर से लेयर में जाऊंगा। लेयर में जाकर टेक्स्ट में जाकर मैं देखूँगा कि द यूट्यूब चैनल, ठीक है, द यूट्यूब चैनल नाम लिखूँगा मैं। आप अपने हिसाब से अपने नाम का बना सकते हैं, दोस्तों के नाम का बना सकते हैं, किसी के भी नाम का बना सकते हैं। तो मैं द यूट्यूब चैनल लिखूँगा। फिर इसको जहाँ चाहे मैं मेरे हिसाब से आपको रख देना है। रख देने के बाद आपको करना क्या है कि फाउंड में जाना है। फाउंड में जाकर आपको उसको देखना है कि आपको कौन सा फाउंड उसको लगाना है। तो मुझे यही वाला फाउंड में रखने वाला हूँ। इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद इसका भी ड्यूरेशन टाइम आपको बढ़ा लेना है। इसके पहले करेंगे अपन कलर का चॉइस, वैसे ही करना है। कलर का शेडो निकाल देना है, ग्रीन कलर रखना है, और उसका जो वीडियो ड्यूरेशन टाइम है उसका ड्यूरेशन टाइम भी आपको बढ़ा लेना है। अगर आप मेरे वीडियो पे पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कैसा करना है। दोस्तों इसको स्किप ना करें, पूरी जानकारी है, आप शुरू से देखें, इसको स्किप ना करें। तो देखिए फिलहाल मेरा जो ये वीडियो है वो बन चुका है। तो इस तरह से मेरा 20 सेकंड का ये जो है नेम का ड्यूरेशन का बना दिया है मैंने। उसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। अपना वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। आपको आना है सिंपली बैक। बैक आने के बाद जो कुछ भी आपने बनाया है वो लेयर, फर्स्ट लेयर भी डिलीट करनी है, सेकंड भी डिलीट करनी है, बैकग्राउंड भी डिलीट कर देना है। बैकग्राउंड डिलीट के बाद मीडिया भी जाने का है। मीडिया में जाके जहाँ भी आपका जो बैकग्राउंड रखना है वो बैकग्राउंड आपको चूज़ करना है। जैसे कि मैंने ये चूज़ किया है। इसके आगे कुछ लोगो वगैरह है वो मैं कट करना चाहता हूँ, उसको क्लिक करूँगा, कट पर जाऊँगा, और लेफ्ट वाला मुझे चाहिए नहीं था वो मैंने डिलीट कर दिया है। फिर आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाकर एक्सपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट में जो भी आपने अभी पे वीडियो बनाया था उसको चूज़ करके उसको स्क्रीन जो है वो बड़ी कर देनी है, जैसे कि मैंने बता दिया है। स्क्रीन बड़ी करने के बाद अब तो बैकग्राउंड दिख नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है कि क्रोमा की का यूज़ करना है। क्रोमा की में जाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद ये पूरा अपना वीडियो जो है वो तैयार हो चुका है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने उसको तैयार कर दिया। आप कुछ चला के देखते हैं। चला के देखने के बाद देखिए सर कितना बढ़िया दिख रहा है वीडियो। आप भी अपने नेम या फिर फ्रेंड नेम कुछ भी चाहते हो, जो चाहते हो वैसा नाम आप बना सकते हैं। अब इसमें और रौनक डालने के लिए मैं करूँगा इसको म्यूज़िक देने वाला हूँ। आपके पसंदीदा म्यूज़िक इसको दे सकते हैं, कोई सॉन्ग डाल सकते हैं, जो चाहे आप वो कर सकते हैं। लेकिन वो जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड मुझे ऊपर का जो उसको क्या करना है उसको कट करना है। अगर वो ड्यूरेशन 20 सेकंड है तो 20 सेकंड का वीडियो आपका तैयार हो जाएगा। अगर वो 5 मिनट का होगा तो आपको एक्सपोर्ट करने के बाद वो 5 मिनट का बन जाएगा, लेकिन आपका तो 20 सेकंड का है। तो मैं करने का वाला हूँ कि मैं उसको अब एक ऑडियो सेलेक्ट करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने काइंडमास्टर मेरे पास फोल्डर बना दिया। आप अपने फोल्डर बना सकते हैं।
उसके बाद मैंने उसको म्यूजिक दिया है, म्यूजिक को फ्रेंड पहला वाला को जो है म्यूजिक बंद कर दिया है बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन मेरे पसंदीदा जो म्यूजिक है वो मैंने डाल दिया है, तो कुछ इस तरह से वो चल रहा है। तो मेरा जो ये वीडियो है पूरा कम्प्लीटली हो चुका है। अब आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए पहले ही प्रोसेस है आपके पास, जो कि शेयर का बटन है, और शेयर के बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वापस से एक्सपोर्ट कर देना है अपने हिसाब से, और फिर उसको थोड़ा टाइम लगेगा एक्सपोर्ट होने में। तो एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट चालू है। तो देखिए ये जो हो चुका है कंप्लीट, इसको चला के देखेंगे मेरे MX प्लेयर में चलाने के बाद ये देखिए। इसी तरह हम अलग अलग स्टेटस वीडियो, व्हाट्सएप वीडियो, टिकटॉक वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो।